पुराने समय में कन्वेंशनल माइनिंग करते समय जब सेरर कंटिन्यूस माइनर एटसेट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट डेवलप नहीं हुए थे तो वहाँ पर ब्लास्टिंग करते समय प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन के लिए फेस में फ्री फेस प्रोवाइड किया जाता था जिसके लिए सी यानी कि कोल कटिंग मशीन का यूज़ किया जाता था तो हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं माइनिंग गुरुकुल और ये है माइन मशीनरी वीडियो सीरीज़ का फोर्थ वीडियो जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी यानी कोल कटिंग मशीन के बारे में तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सी यानी कोल कटिंग मशीन एक स्किल माउंटेड कटिंग मशीन होता है जिसके फ्रंट साइड पे एक कटिंग ब्लेड प्रोवाइड किया जाता है इसका यूज अंडरग्राउंड कोल माइंस में फेस में कट्स प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है ताकि अदर पार्ट्स में ब्लास्टिंग या फिर मैकेनिकल कटिंग डिवाइस का इफेक्ट ना पहुंचे और प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन अचीव किया जा सके तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की तो फर्स्ट है कूल कटिंग मशीन ऐसे जगहों पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर रूप कंडीशन ख़राब हो और ब्लास्टिंग के इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए लो एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है सेकेंड है जहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो वहाँ पे कोल कटिंग मशीन द्वारा कट्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन अचीव किया जा सके थर्ड है गैसी माइंस में जहाँ पे रेगुलेशन के अनुसार ओवर कट अंडर कट या फिर मिडिल कट प्रोवाइड करने की आवश्यकता हो वहाँ पे सी सी होता है फोर्थ है जब कोल सीम में डर्ट बैंड या फिर रॉक बैंड हो तो वहाँ पे उनको रिमूव करने के लिए कोल कटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है फिफ्थ है ग्रेटर आउटपुट अचीव करने के लिए सी कोल कटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है तो आगे बात करते हैं अनसुटेबल कंडीशन की मतलब कि किन जगहों पे सी का यूज़ नहीं किया जा सकता तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे फ़्राइबल कोल हो वहाँ पे सी का यूज़ नहीं किया जा सकता इसके साथ साथ जहाँ पे सॉफ्ट फ्लोर हो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और फ्लोर जो है डैमेज हो जाएगा इसके अलावा ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोल सिम स्टेबली इंक्लाइन हो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके मूवमेंट और रनिंग में प्रॉब्लम होगी अब बात करें कट्स की कि कोल कटिंग मशीन द्वारा कितने टाइप के कट प्रोवाइड किए जाते हैं तो बेसिकली कोल कटिंग मशीन मतलब सी द्वारा फेस पे तीन प्रकार के कट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं पहला होता है अंडर कट दूसरा होता है मिडिल कट और तीसरा होता है ओवर कट अब अंडर कट क्या होता है अंडर कट जो होता है वो जस्ट फ्लोर के ऊपर में दिया जाता है अंडर कट देने का पर्पस ये होता है कि जब कभी हम ब्लास्टिंग करें तो हमारा जो फ्लोर हो वो डैमेज ना हो मिडिल कट की बात करें तो मिडिल कट जो होता है वो फ्लोर और रूफ़ के बीच में मिडिल पोर्शन में दिया जाता है और इसका यूज़ अधिकतर जो है वाटरी सीम में किया जाता है इसके बाद ओवरकट ओवरकट जो होता है वो रूफ़ के जस्ट नीचे में दिया जाता है और यह तब दिया जाता है जब रूफ कंडीशन ख़राब हो या फिर सेल या रॉक बैंड्स अवेलेबल हो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे दिया जाता है ओके आगे बात करें कंस्ट्रक्शन की तो कूल कटिंग मशीन मतलब सी सी एम के कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है कटिंग यूनिट या फिर गेयर यूनिट दूसरा है पावर यूनिट या फिर मोटर यूनिट और तीसरा है ड्राइविंग यूनिट या फिर हॉलेज यूनिट तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग यूनिट तो कटिंग यूनिट जो होता है वो मशीन के फ्रंट साइड में सिचुएटेड रहता है और इसमें बेसिकली पहला होता है चेन जीव चेन जीब जो होता है वो रोल स्टील बार और प्लेट से बना होता है और इसके साथ कटर चैन गाइड पाथ के रूप में अटैच रहते हैं अगला पार्ट है कटर चैन कटर चैन एलॉय स्टील पिक बॉक्सेस के सीरीज से बना होता है जो कि पिन और लिंक से जुड़ा होता है इस चैन को गियर हेड के नीचे इस प्रॉकेट व्हील से चलाया जाता है और प्रत्येक पिक बॉक्स में कटिंग पिक्स लगे होते हैं अगला पार्ट है पिक्स सी सी एम के पिक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हाई कार्बन स्टील पिक्स और टंगस्टन कार्बाइड पिक्स तो यहाँ पे सी के पिक्स जो हैं वो शार्प पॉइंटेड टफ़ और हार्ड होनी चाहिए ताकि फेस में प्रोड्यूस होने वाले डस्ट को कम किया जा सके सो so, इसलिए यहाँ पे ब्लंट पिक्स को अवॉइड किया जाता है अगला यूनिट है मोटर यूनिट तो इसका जो मोटर होता है वो डबल केज इंडक्शन टाइप मोटर होता है जिसे पाँच वोल्ट ए सप्लाई द्वारा रन किया जाता है और इसे रिमोट कंट्रोल गेट इन बॉक्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है अगली यूनिट है हॉलेज यूनिट तो सी सी एम यानी कोल कटिंग मशीन में मोशन पर्पस के लिए व्हील्स या फिर क्रॉलर चेन प्रोवाइड ना करके स्किड प्लेट प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ साथ मशीन के दोनों साइड्स पे वाइंडिंग ड्रम प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक मोटर द्वारा ऑपरेट होता है अब इस ड्रम में वायर रोप लपेटा रहता है और जब कभी मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना हो तो उसके लिए मशीन से कुछ डिस्टेंस आगे में गाइड प्रोप गाड़ा जाता है और वायर रोप का एक हिस्सा उसमें बांध दिया जाता है और जब कभी ड्रम वाले मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उस ड्रम में वायर रोप वाइंड होने लग जाता है और मशीन मूव होने लग जाता है तो इस तरह से मशीन का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्कीड प्लेट की हेल्प से होता है तो ये तो हो गए कंस्ट्रक्शन डिटेल आगे बात करते हैं इसके कटिंग पार्ट्स के स्पीड्स की तो यहाँ पे चेन की स्पीड 120 से लेकर 170 सेवेंटी एम पर मिनट वेरी करती है और सी के कटिंग स्पीड की बात करें तो यह जो है 0.5 से लेकर 1.5 मीटर पर मिनट वेरी करती है मतलब कि यह जो है एक मिनट में जीरो पॉइंट फाइव से लेकर वन पॉइंट फाइव मीटर तक कटिंग कर सकते हैं और लास्ट में फ्लीटिंग स्पीड की बात करें तो फ्लीटिंग स्पीड मीन्स मशीन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होने में जितना टाइम लगता है वह उसका फ्लीटिंग स्पीड कहलाता है तो कोल कटिंग मशीन की फ्लीटिंग स्पीड नाइन से लेकर फिफ्टीन मीटर पर मिनट तक होती है मतलब कि कूल कटिंग मशीन एक मिनट में नाइन से लेकर फिफ्टीन मीटर तक रन कर सकता है आगे बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की तो कोल्ड कटिंग मशीन से फेस में अगर कट्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे ब्लास्टिंग एफिशेंसी इंक्रीज़ हो जाती है इसके साथ साथ फेस में कटिंग प्रोवाइड करने से आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है साथ ही साथ यहाँ पे रेट ऑफ एडवांसमेंट मतलब कि फेस के एडवांस होने की जो रेट होती है वो भी हाई हो जाती है जहाँ पे कोल्ड कटिंग मशीन यूज़ होता है वहाँ फेस स्ट्रेट और सिस्टमेटिक मैनर में एडवांस होते हैं और कोल कटिंग मशीन यानी कि सी की हेल्प से गैसी सीम में भी इजीली वर्किंग किया जा सकता है सी द्वारा फेस में अपर कट प्रोवाइड करने से रूप में होने वाले डैमेज को रोका जा सकता है इसके अलावा ऐसे प्लेसेस या फिर ऐसे फेस जहाँ पे रॉक बैंड या फिर डट बैंड पाए जाते हों तो वहाँ पर सी की हेल्प से उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके डिसएडवाटेज़ की तो सी सी एम यानी कोल कटिंग मशीन स्कीड माउंटेड होता है इसकी वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है और साथ ही साथ सी सी एम के वर्किंग के लिए पर्याप्त हो स्पेस की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके मूवमेंट के लिए गाइड प्रोप वगैरह लगाने की आवश्यकता हो होती है तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही होप आपको कोल कटिंग मशीन सी सी एम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सब्सक्राइब कीप वॉचिंग